हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैथ। मैं एक बार फिर से आपके साथ आया हूं और आपका सबका जो सिंपल इंटरेस्ट का जो हम वीडियो बना रहे हैं उसी वीडियो को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज देखते हैं कुछ और सवाल। इस नए वीडियो में कुछ डिफरेंट टाइप के सवाल हैं हमारे पास। आप पहला सवाल आप देखिए, बोर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा। क्या है, पर्सन जो है 1/3 अपने पूरे जितना भी उसका कैपिटल था उसका 1/3 7% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट पर लगाता है, 1/4 8% पर लगाता है और बचा हुआ 10% पे लगाता है। इस तरह से उसको टोटल जो ब्याज मिलता है, जो टोटल इंटरेस्ट मिलता है वो 561 रुपये का मिलता है। तो आपको बताना है कितना रुपया वो इन्वेस्ट किया था टोटल, या फिर उसका कैपिटल था कितना। अब देखिए, जहाँ पे फ्रैक्शन की बात करता हूँ, जैसे क्वेश्चन जो बोल रहा है 1/समथिंग, 1/2, 1/3, 4/5, इसका मतलब फ्रैक्शन की बात कर रहा है। आप खुद देखिए कि अगर 1/3 कहीं इन्वेस्ट कर रहा है, 1/4 फिर कहीं इन्वेस्ट कर रहा है, इसका मतलब जो इस तरह से इन्वेस्टमेंट हो, जो फ्रैक्शन में इन्वेस्टमेंट हो, तो आपको मैंने बताया कि फ्रैक्शन में टोटल कितने को बोलते हैं, 1 को बोलते हैं। कितने को? 1 को। तो 1 में से 1/3 इसने यहाँ इन्वेस्ट कर दिया, 1/4 यहाँ इन्वेस्ट कर दिया, तो टोटल कितना इन्वेस्ट कर चुका है अब तक? अब देख लीजिए, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7/12 इन्वेस्ट कर चुका, मतलब 5/12 उसके पास और बचा हुआ जो कि वो तीसरी जगह इन्वेस्ट कर देता है। इस तरह से टोटल 1 हो गया था। तो इस 1 के साथ हम निकाल लेंगे जो बचा हुआ पार्ट है वो कितना है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो 1/3 है ये 7% के हिसाब से लगाया था, इसके बाद 1/4 है ये कितना 8% के हिसाब से लगाया था, जो बचा हुआ था ये 10% के हिसाब से लगाया था। आप खुद बताइए, जो भी अमाउंट था उसका 1/3 हमने कहा अमाउंट 1 लेके चला था हमने, तो उसका 1/3 हिस्से पे अगर 7% से वो ब्याज मिलेगा उसको, तो 7/3% ब्याज मिलेगा। और अगर उसका 1/4 हिस्से पे 8% से ब्याज मिलेगा तो कितना मिलेगा, 8% / 4, और इसी तरह से इसका ब्याज मिलेगा 50% / 12%। टोटल ब्याज उसका यही हो जाएगा। इस टोटल ब्याज को आप ऐड कीजिए, कितना रहा आपके पास? मैंने 12 ले लिया। अब देखिए, 3 को 4 से गुना करेंगे, 28% तो हमारा इसके कारण ब्याज यहाँ पे आ गया, प्लस 4 3 8 3 24 यहाँ आ गया, अब प्लस 5 10 50, टोटल कितना आ गया 24, एक ले लेते हैं इसको, 25 2 50, 2 चला गया, कितना आ गया 24 2 48 50, 52 102, टोटल इसको ब्याज कितना मिला, 102% / 12 टोटल ब्याज इतना मिला। लेकिन क्वेश्चन कर रहे हैं ब्याज जो है ये रुपया में कितना है, रुपया में ब्याज का वैल्यू सिर्फ 561 रुपया दे रखा है। तो आपसे पूछ रहा है प्रिंसिपल, वो जो टोटल इन्वेस्ट किया था वो पैसा, जो टोटल उसका जो प्रॉपर्टी था वो कितना था, तो आप खुद बताइए 100% की वैल्यू कितना हो जाएगी। आपका इतना परसेंट ब्याज की वैल्यू कितनी है, 561 है, तो आप 100% की वैल्यू कितनी बोल देंगे, तो 561 गुने 12 बटे 102, 1% क्योंकि 100% की इतनी। तो आपको इसको सिंप्लीफाई करना, आप देखिए कितना आता है, सॉल्व करें एक बार। अगर हम इसको डिवाइड करना शुरू करें 3 से, तो 3 3 9 3 4 12 3 4 12, 2 से काटते हैं 17 17 51 51, चलिए 33 कट गया, 33 2 66, मतलब 6600 रुपये का उसके पास पूरा कैपिटल था जिसको वो इन्वेस्ट किया था, जिसका 1/3 हिस्सा इन्वेस्ट किया था 7% पे, 1/4 हिस्सा किया था 8% पे, और 5/12 हिस्सा किया था 10% पे। अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में आप ज़्यादा शॉर्टकट नहीं कर सकते, ज़्यादा आप शॉर्टकट नहीं कर सकते, कैलकुलेशन आपको करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन आपका फास्ट होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे और कोई दूसरा मेथड नहीं है, कोई भी आप शॉर्टकट नहीं कर सकते हैं। अच्छा, चलिए हम बढ़ते हैं एक और सवाल पे। देखिए सवाल आपके बोर्ड पे है, क्वेश्चन कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट ऑब्टेंड फ्रॉम टू डिफरेंट बैंक्स ऑन 500 फॉर 2 इयर्स इज दिस। अच्छा सा सवाल है, इस तरह का सवाल मैंने बताया है आपको, डायरेक्टली वर्डिंग ये नहीं थी, वर्डिंग कुछ अलग था, कॉन्सेप्ट ये था। 500 रुपये पे 2 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस मिल रहा है दो अलग अलग बैंकों से, वो 2 रुपया 50 पैसा है। मतलब अगर 500 रुपये इन्वेस्ट किया जा रहा है एक बैंक में 2 साल के लिए, तो कुछ सिंपल इंटरेस्ट दे रहा होगा, मान लेते SL1 दे रहा होगा। इसी 500 रुपये को फिर से 2 साल के लिए दूसरे बैंक में इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो वो मान लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रहा होगा, SL2 दे रहा होगा। तो इन दोनों का जो अंतर देखा गया वो अंतर कितना है, 2 रुपये 50 पैसे। आपसे क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि उसका अंतर क्या है, डिफरेंस कितना है, 2 रुपये 50 पैसा तो पूछ रहा हो। ये जो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द
एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस रेट पे आप पहले बैंक में लगाया गया था, जिस रेट से दूसरे बैंक में लगाया गया था, दोनों का डिफरेंस क्या होगा? आपको पता है कि जो जो एसआई का जो डिफरेंस होता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के डिफरेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, क्योंकि जैसे जितना रेट ऑफ डिफरेंस बढ़ेगा उतना ही इंटरेस्ट बढ़ेगा। आप खुद बताइए कि अगर 500 रुपया पे 2 साल में इतना रुपया जनरेट हो रहा है, इतना रुपया का डिफरेंस जनरेट हो रहा है ब्याज में, तो 1 साल में कितने रुपया का जनरेट डिफरेंस जनरेट होगा? तो आप कहेंगे कि 2/2.50/2 मतलब 1.25। कितने रुपया का जनरेट होगा कितने साल में? 1 साल में। आप ये कहेंगे, अब मुझे ये बताइए कि अगर 500 रुपया पे 1 साल में इतने रुपया का अंतर आ रहा है ब्याज में, 100 रुपया पे कितने रुपया का अंतर आएगा? तो आप 5 से डिवाइड कर देंगे, 100 रुपया में 1 साल के लिए कितना अंतर आएगा? तो आप इससे 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.5 × 10 और 5×25 मतलब 0.5। और इसी को क्या बोलेंगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि 100 रुपये पर निकाला हुआ है। इसका मतलब हुआ कि जो दोनों बैंक में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो डिफरेंस था वो डिफरेंस कितने का था? 0.25% का डिफरेंस था। इतना ऐसा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है, इफ ए मैन लेंट आउट 1/4 ऑफ हिज कैपिटल एट 3%, 2/3 एट 5% एंड रिमेनिंग एट 11%, देन द रेट परसेंटेज ही रिसीव्ड ऑन द होल अमाउंट। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया था एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, थोड़ा सा वर्डिंग चेंज किया, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन अलग हमसे मांगा है पहले क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में। अब देखिए, इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या दे रखा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ पैसा है जो लगाया गया है, जिसका 1/3 1/4 जो है वो 3% के हिसाब से लगाया गया, मतलब इस पे कितना जनरेट हो जाएगा टोटल ब्याज? इतना परसेंट बोल रहा है। 2/3 जो इसका हिस्सा है, इसी का जो 2/3 है, इसको 5% पे लगाया गया है। कितना परसेंट पे? 5% से। और जो इसी का जो बचा हुआ हिस्सा है उसको कितना परसेंट से लगाया गया? 11% से। तो आप खुद बताइए, अगर 1/4 यहाँ इन्वेस्ट कर दिया गया, 2/3 यहाँ इन्वेस्ट कर दिया, तो बचा कितना है? तो आप 1/3 और 2/3 को ऐड कर लेंगे, 1/4 और 2/3 को ऐड कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा? 3 × 8 = 11, 11/12, 11/12 अगर यहाँ इन्वेस्ट हो चुका है तो कितना बचा होगा? 1/12 बचा होगा। तो 1/12 हिस्सा जो बचा हुआ था वो 11% पर लगाया गया। तो आप खुद बताइए, इतने भाग पे इतना 3% के हिसाब से, इतने भाग पे 5% के हिसाब से, इतने भाग पे 11% के हिसाब से अगर पैसा वो इन्वेस्ट किया है या उसको ब्याज मिल रहा है, तो टोटल यहाँ पे 3/4% ब्याज मिलेगा, यहाँ 10/3% ब्याज मिलेगा, और यहाँ 11/12%। हमने परसेंट लास्ट में लिख दिया सबके लिए कमाई, टोटल इतना ही परसेंट का ब्याज मिलेगा। अब आप इसे जोड़ दीजिए, तो जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 12 हमने यहाँ लिख दिया। अब देख लीजिए, 4 से 3 करेंगे तो 3 × 9 आ जाएगा ऊपर में, और यहाँ 4 करेंगे तो 40 आ जाएगा, और वहाँ कितना है? 11% हमने यहाँ लगा दिया। अब देख लीजिए, इसको जोड़ के देखिए कितना आ जाता है, 11 × 9 = 20, 40 + 60, तो आ गया 60/12%, मतलब 5% का ओवरऑल इंटरेस्ट क्या रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा? 5% का। तो छोटा छोटा सा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आप ले रहे हैं, एक क्वेश्चन हम और इस वीडियो में इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन सिंपल सिंपल ही आ रहा है, क्वेश्चन आप बोर्ड पे देख रहे होंगे। क्वेश्चन अब इसको एक बार ट्राई कीजिए, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन सिर्फ आपको एक बार समझ लेना है क्या कह रहा है। कह रहा है कि 6,000 रुपया कहीं पे इन्वेस्ट किया गया है, 6,000 रुपया कहीं पे इन्वेस्ट किया गया है, 2 साल बाद इसमें से 4,000 रुपया निकाल लिया जाता है, 4,000 रुपया निकाल लिया जाता है, प्लस जो इस पे सिंपल इंटरेस्ट जनरेट हुआ था, जो इस पे इंटरेस्ट जनरेट हुआ था वो भी निकाला जाता है। मतलब आपको 4,000 रुपया तो यहाँ से हम कैश निकाल दे रहे हैं, कौन सा कैश? जो हमने जमा किया था 6,000, उसमें से 4,000 रुपया निकाल लिए, और 2 साल में जो भी इंटरेस्ट जनरेट हुआ होगा वो इंटरेस्ट भी हमने निकाल लिया। अब हमारे पास कितना पैसा बच गया उसमें? सिर्फ 2,000 रुपया बच गया। फिर बोल रहा है, 3 साल बाद वो जो 2,000 रुपया जो हमने छोड़ रखा था उसमें वो भी निकाल लिया, और सिंपल इंटरेस्ट जो जनरेट हुआ तो वो भी निकाल लिया। बोल रहा है, इस हिसाब से देखा गया कि कुल मिलाकर उसे 900 रुपये का फायदा हुआ, मतलब टोटल सिंपल इंटरेस्ट जो मिला, जो ब्याज मिला पूरे इसने काम करने के बाद, वो कितना मिला? 900 रुपये मिला। तो आपको बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, आपको क्या बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखिए मेरे साथ, कि जो 6,000 रुपये आपने यहाँ रखा था,
ये जो 6,000 रुपया रखा था, आप ऐसे कर सकते हैं कि 6,000 में से जो दो पार्ट में अगर इसको हम बांट दें, दो तरीका बना लेते हैं। चलिए पहले एक तरीका 6,000 लेते हैं। अगर 6,000 जो है, ये देखिए कितने साल के लिए यहाँ तक आया है, यहाँ तक आने में इसको कितना समय लगा, 2 साल। मतलब 6,000 पे पूरे 2 साल तक हम इंटरेस्ट कमाए थे, पूरे 2 साल तक इंटरेस्ट कमाए थे। कितने पे? 6,000 पे जो इंटरेस्ट हम यहाँ पे निकाले हैं। इसके बाद हम इंटरेस्ट और कहाँ कमाए हैं, यहाँ से तो 4,000 हमने निकाल लिया, अब तो यहाँ पे सिर्फ बचा 2,000 छोड़ा हमने। इस 2,000 पे हमने कितने साल तक इंटरेस्ट कमाया? 3 साल तक इंटरेस्ट कमाया। और इस तरह से हमें टोटल इंटरेस्ट कितना मिला था? 900 रुपये। आप खुद देखिए कि अगर 6,000 रुपया दो बार इंटरेस्ट किया गया है और 2,000 रुपया तीन बार, तो आप यहाँ से डायरेक्टली कह सकते हैं कि 12,000 रुपया यहाँ इन्वेस्ट किया गया होगा अगर एक ही बार की बात करें तो, और 6,000 रुपया यहाँ, मतलब टोटल कितना है? 18,000 रुपये इन्वेस्ट किया गया था, जिसमें ब्याज कितना मिला है? 900 रुपये। तो आप खुद बताइए कि अगर इसको हम 180 से भागा दे दें तो हमारा 100 रुपये ब्याज मिल जाएगा। कितना पता चला मिला था जो, तो कितना मिल जाएगा? 5। और 100 रुपये का जो ब्याज मिलता है उसको क्या बोलते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमने टाइम को पहले ही बंद कर रखा है क्योंकि टाइम को हम प्रिंसिपल के साथ कंपनी कनेक्ट करती है। अब देखिए इस क्वेश्चन को और कैसे बना सकते थे। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये जो 6,000 रुपया था इसी को आप दो पार्ट में बांट दीजिए। यहीं पर आप कहिए कि 4,000 रुपया था और 2,000 रुपया अलग अलग था। तब खुद देखिए ये जो 2,000 रुपया, ये जो आखिरी में निकला है, इस पर 5 साल का जनरेट हुआ ब्याज, इस पर 5 साल तक ब्याज चलता गया है। लेकिन इस 4,000 जो 2 साल बाद निकल गया, इस पर 2 ही साल का चला है ब्याज। तो आप खुद देखिए 4,000 रुपये अगर 2 साल का ब्याज चला है, तो इसको अगर 1 साल की बात करेंगे तो आप कहेंगे कि 1 साल के लिए इसका मतलब 8,000 रुपये लगाया हुआ था, 8,000 रुपये लगाया था। और यहाँ पे अगर ये 2,000 रुपये 5 साल तक लगा है, मतलब आप कहेंगे कि 10,000 रुपये लगा था। हम कह सकते हैं 10,000 रुपये लगा दिए थे 1 साल के लिए। ये जो चीज़ें हैं टोटल मिला के कितने रुपये लगा दिया था आपने? 18,000 रुपया। और जबकि आपको ब्याज कितना मिला है 1 साल में? 900 रुपया। इसका मतलब 100 रुपये पर कितना ब्याज मिला है? तो आप क्या करेंगे, 180 से डिवाइड करते हैं तो आपको आ जाएगा 5%। तो आप क्वेश्चन को वैसे समझ लीजिए चाहे ऐसे समझ लीजिए, एक ही बात है। देखिए हम बड़े आराम आराम से आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी इतने ज़्यादा आराम से नहीं पढ़ा पाएंगे। हमारे पास एक टाइप के क्वेश्चन और अभी बचे हैं जो हम आपको कराएंगे सिंपल इंटरेस्ट में। इसके बाद हम आ जाएंगे आपके पास इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन लेके, और उसके बाद हम ट्रू डिस्काउंट आपको बताएंगे, और इसके बाद हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा ये। और एक वीडियो और हम लेंगे आपके क्वेश्चन पे सिर्फ, नेक्स्ट एक वीडियो और आएगा सिंपल इंटरेस्ट से। कुछ क्वेश्चन उसमें और हैं सिलेक्टेड क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ आप देख रहे होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आ रहे हैं, पुराने जो पूछे गए क्वेश्चन वही ले रहा हूँ। तो अगले वीडियो में आपको सिंपल इंटरेस्ट के 4-5 क्वेश्चन और मिलेंगे। उसका जो नेक्स्ट बाद उसके बाद का जो वीडियो का वो होगा हमारा इंस्टॉलमेंट का वीडियो होगा, और उसके बाद जो होगा हमारा ट्रू डिस्काउंट का वीडियो होगा, और उसके बाद हम SI को क्लोज करेंगे, फिर हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे चलेंगे। तब तक आप वीडियो को देखिए और बताइए हमें कैसा लग रहा है आपको वीडियो, कैसा लग रहा है ऐसे पढ़ने में, और हम इंतज़ार करेंगे आपके कमेंट्स का, आपके रिप्लाई का, आपके फीडबैक का। तो चलिए हम यहाँ पे क्लोज करें वीडियो को। चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।